और अब बात एबीपी न्यूज के खबर के असर की। हमारे प्राइम टाइम शो पब्लिक इंटरेस्ट में जारी अवैध खनन माफिया के खिलाफ देशव्यापी मुहिम का बड़ा असर हुआ है। 20 नवंबर को पब्लिक इंटरेस्ट में जो खुलासा हुआ था उसी पर पंजाब में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। तो देखिए 6,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट के सरगना जगदीश भोला की जमीन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यानी ईडी ने जब्त की थी। खनन माफिया कई दिनों से वहां अवैध खनन कर रहा था। पंजाब के आनंदपुर साहिब की ये बड़ी खबर 20 नवंबर की रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपको ये खबर पूरी डिटेल्स के साथ दिखाई थी। हम ये दिखाना चाहते थे कि इतनी बड़ी एजेंसी की अटैच की गई जमीन भी खनन माफिया से नहीं बची है। ना ही सरकार को ना ही ईडी को ये बात का पता था और ऐसे में एबीपी न्यूज ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद देखिए किस तरीके से एक्शन की भी खबर आ गई है। अटैच की गई जमीन भी खनन माफिया से नहीं बच पाई थी और ये बड़ी खबर पब्लिक इंटरेस्ट में प्राइम टाइम शो में हमने जब डिटेल में दिखाई तो उसका असर अब ये हुआ है कि इस पर एक्शन लिया गया है। अब अवैध खनन के खिलाफ जांच के आदेश की बात सामने आ गई है। माइनिंग विभाग के निदेशक, इसके अलावा आपको यह भी बताते चले, रोपड़ के एसएसपी को जांच के आदेश दिए गए हैं। ईडी की जब्त जमीन पर अवैध खनन हो रहा था, जहां ईडी ने जिस जमीन को अटैच किया था वहीं पर अवैध खनन की खबर एबीपी न्यूज के कैमरे की नजर पड़ी। उसके बाद हमने ग्राउंड रिपोर्ट पूरे सबूत के साथ दर्शकों के सामने रखा। अब माइनिंग विभाग के निदेशक ने आदेश दिए हैं कि पता करें कि ईडी ने आखिरकार अटैच करके जो ये जमीन अपने हवाले की थी वहां पर कैसे संभव है कि इस तरीके से धड़ल्ले से अवैध खनन हो पाए। पब्लिक इंटरेस्ट की ये खबर दिखाए जाने के बाद पंजाब सरकार में जबरदस्त हलचल रही। खबर का असर ये हुआ कि खनन मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेर से खनन मंत्रालय ही छीन लिया गया। उनकी जगह अब कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा को खनन मंत्री का प्रभार सौंप दिया गया है। तो कुल मिलाकर के एक्शन नंबर वन ये रहा। दूसरा एक्शन ये हुआ कि पंजाब सरकार ने एबीपी न्यूज की खबर का हवाला देते हुए माइनिंग विभाग के निदेशक और रोपड़ जिला के एसएसपी को भी ईडी की जमीन पर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जांच करके सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।